तुम्हें से डला किसने मारा? तुमने मारा ना? तुमने मारा? डला? हम डला नहीं मारते, हम तो सीधे आदमी मारते हैं। ये बौद्ध काम टिंकू सिग्वाल करता नहीं। ए मिस्टर, तुम्हारी धमकी से ना मैं डरने वाली नहीं हूँ। सीधे सीधे बताओ डला किसने मारा? अर्जुन तुम? अच्छा तो ये सारी हरकतें तुम कर रहे हो? I love you, अर्जुन। I love you too, दिव्या। दिव्या, ऐसे हम चुप चुप कर कब तक मिलते रहेंगे? आज मैं तुम्हारे भाई से बात कर ही लेता हूँ। आजकल का प्यार भी यार कहीं शुरू। हाँ यार चला। अर्जुन आज रुक जाओ, मैं अपने भाई से बात करके देखती हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। दिव्या अब मुझसे दूरी सही नहीं जाती, या तो तुम अपने भाई से बात कर लो नहीं तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ, पर अभी मैं चलती हूँ। घर पे भैया इंतजार कर। यार दोपहर में माथा खराब कर दी। कहीं भी ना, माथा तो ठीक ठाक है, क्या हुआ तेरे माथे में? मैं उस लड़की की बात कर रहा, साली दिल में आग लगा के एक नंबर का फिगर ले गई थी। यह बात तो तू 10% ठीक कह रहा, पर वह दिल में नहीं पूरे गात में आग लगागी। आग लगागी? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा भाई कहाँ आग लगागी। कल को स्कूल में आओगी टिंकू भाई, वाह उसे पटाने की कोशिश कर। एक काम कर गंजे, कुछ पैसों का इंतजाम करते हैं, क्योंकि शाम को दारू का भी तो इंतजाम करना। चलो तो फिर चल। कोयले की गाड़ी आ गई क्या? नमस्ते जी, कोयले की गाड़ी भी आ गई जी, और कोयले का मैंने पेमेंट भी कर दिया। कितना पेमेंट हुआ? वो मैंने सब इसमें रिकॉर्ड कर दिया, आप चेक कर लो। तो आज की डेट में जो काम हो रहा। हाँ दिव्या, आ गई तू स्कूल से? हाँ भैया आ गई मैं स्कूल से। हाँ भैया मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में, फाइल का काम देख रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है भैया, जल्दी काम से फ्री हो जाओ और घर आ जाओ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं घर पे आके बात करूंगा। हरिंदर जी मालिक, ये मैंने मजदूरों के लिए बोला था, क्या रहूंगा? अजी वो मैंने सबको बोल दिया था और कल सुबह तक आ जाएंगे। ठीक है, मैं भी अपना काम देख लूं। ठीक है सर। अर्जुन बेटा आज कहाँ चला रहा था? आज तो जब भूख न लगी। अरे माँ भूख तो बहुत जोर की लग रही है, पर क्या करूं काम आज भी ना मिला। कोई बात ना बेटा, मेरी जगह दुखी ना हो। चल बैठ, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आऊं। दिव्या जी। भैया बताओ क्या बात करनी थी? भैया मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बताओ क्या बात है?
भैया गुस्सा तो नहीं करोगे ना? हाँ बता तो सही, क्या बात है? भैया मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, भैया मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। दिव्या क्या बकवास कर रही है तू? तू मेरी एक अकेली बहन है, मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा, और जो मन्ना लड़का देख रखा है ना, वो खाते पीते खानदान से है, बिल्कुल हमारी तरह। नहीं भैया, मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, और भैया मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अर्जुन से करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। जब मन्ना बोल दिया तो बोल दिया, जहां मैं चाहूंगा वहां तेरी शादी होगी, और तेरा आज से स्कूल जाना बंद, समझ गई? चल अंदर। हेलो, तेरा बाप बोल रहा हूँ विकास दुबे, चुपचाप 5 लाख रुपए लेके मेरे ठिकाने पे आ जा, नहीं तो कल का सूरज नहीं देख पाएगा तू। अरे भाई साहब मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, आ रहा हूँ मैं पैसे लेकर। ले बेटा रोटी खा, चल तुम खाओगे। माँ मैं कल शहर जाके नौकरी की तलाश करूंगा, कहीं मिल जा बेटे। ठीक है बेटा, मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी नौकरी ढूंढ ले, फिर उसके बाद अपने शादी की भी तैयारी कर ले। क्या पता बेटा मैं मरूं या जीऊं, कम से कम बुढ़ापे में पोता पोती को तो खिला लूंगी, पता नहीं कितने की जिंदगी। हेलो। हाँ अर्जुन। हाँ भाई। बादल बोल रहा हूँ। हाँ बता। तू मुझे नौकरी के लिए बोल रहा था ना? हाँ। मिल गई जी? मिल गई, जल्दी आ जा मेरे पास। हाँ ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ। अर्जुन की बात है बेटा? अरे कुछ बात ना माँ, मेरे दोस्त का फोन आया, नौकरी मिल गई, उनने मुझे बुलाया और मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चल तो तू जा, पर शांत को जल्दी आ जी, तेरे बिना मेरा केली का जीना लगता। अरे मत ले, चिंता मत ले रहे, अब तो मेरी नौकरी की बात भी होगी और मैं जल्दी आ जाऊंगा शाम तक। टिंकू भाई। हाँ। गाड़ी आ रही है। गाड़ी आने दे, गंजे देखना है इसमें क्या माल है। चलाओ इसे। अरे भाई कौन हो तुम? हाथ में हथियार देखकर हमसे ये पूछ रहा है कौन है हम? तू हमें नहीं जानता? टिंकू, टिंकू नाम है मेरा, समझा? अरे पकड़ो सारा को, भूल जावा सारे सारे आए भाई, किसी का कजी गंदा कर दे, चल भाई जो हमें चाहिए था मिल गया। भाई मेरा पैसे से भरा बैग 5 लाख रुपए थे, बैग गिन कर ले गए। तुम 1 मीटर को भाई, मैं अभी बैग लेकर आता हूँ। भाई संभल के जाना, मुझे बहुत खतरनाक बदमाश लग रही है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए भाई। गंजे देख इसमें कितना माल है। इसमें तो माल ही माल है, ये तो नोटों से भरा है, चलो बंटवारा करते हैं। आज सही लूट हाथों लगी है, सही मुर्गा हमारे हाथ लगा, अब हम 4 आदमी हैं,
चारों बराबर हिस्सा बांटेंगे। सरकार आज तो लूट बढ़िया करी है, आज तो लमडी अमडी नचवाओ सरकार, जश्न मनाओ सरकार। टिंकू भाई करो हिसाब। सुअर के पिल्लो मैं करूंगा तुम्हारा हिसाब। टिंकू भाई मार साले का गोली। या 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 नहीं अर्जुन, अर्जुन तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कोई बात नहीं दिव्या, अंदर बैठकर बात करते हैं। पर भैया मुझे बताओ तो सही, अर्जुन को हुआ क्या है? पर तुम इसको कैसे जानती हो? भैया ये वही तो लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। अच्छा दिव्या, अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ भाई। कहाँ चल दिए? चलो अंदर बैठ कर बात करेंगे। भाई कभी फिर आऊंगा। नहीं नहीं अंदर चलो। भैया तुम अर्जुन को लेके पहले डॉक्टर के पास जाओ। कोई बात नहीं दिव्या, मैं डॉक्टर को अभी कॉल कर रहा हूँ, अभी यहीं पे आ जाएंगे। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्द से जल्द घर आ जाओ। आओ डॉक्टर साहब। हाँ राजवीर सिंह बताओ। आगे डॉक्टर साहब? हाँ जी मैं आ गया। चलो अंदर। अरे इसको तो गोली लगी है। राजवीर सिंह जी, गोली मैंने निकाल दी है, अब इन्हें कोई खतरा नहीं है। अब मैं चलता हूं। और हाँ एक मिनट, ये कुछ टैबलेट है जो इनको खाना खाने के बाद देनी है सुबह शाम। ठीक है डॉक्टर साहब। दिव्या जाओ अंदर जाओ, डॉक्टर साहब के लिए चाय लेकर आओ। जी भैया। राजवीर जी मैं चाय फिर किसी दिन पी लूंगा, मुझे और भी पेशेंट देखने, थोड़ा जल्दी। भैया डॉक्टर साहब कहाँ गए? वो तो चले गए, कोई बात ना, एक कप चाय अर्जुन को दो। अर्जुन कितना प्यार करते हो तुम मेरी बहन से? मैं इतना प्यार करता हूँ दिव्या से शायद ही कोई ना करता हो। और काम धाम क्या है आपका? काम तो मैं कुछ करता नहीं, पर काम की तलाश में घूम रहा हूँ। तो समझो आज से तुम्हारे काम की तलाश खत्म, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। दिव्या इधर आना। दिव्या मुझे तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी लगी, मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ।